स्वागत है आपका। हेलो जी हेमंत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। सर आपका सवाल मेरे क्या है? दो दो सवाल है मैडम। मेरे जी बताइए सर। एक तो मेरे वाइट स्पॉट हैं, ठीक है। और स्पॉट होने के अलावा मैंने आपके यहाँ से जयपुर से हाँ सर, आपने क्या मंगवाया है हमारे यहाँ से? काला गोंद मंगवाया है, हाँ तो वो मेरी मिसेज के लिए, ठीक है। और मुझे वाइट स्पॉट है। कैसी तबीयत है आपकी मिसेज की अभी? हेलो, कैसी तबीयत है आपकी मिसेज की? मेरी बात आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, काला गोंद मंगवाया है वो मिसेज के लिए। ठीक है, उन्होंने शुरू किया क्या? क्या बोल रहे हैं आप? आवाज कट रही है आपकी। उन्होंने शुरू हेलो। कर दिया क्या? गोंद खाना शुरू कर दिया? हाँ, 1.5 महीना हो गया मिसेज को। कैसी तबीयत है? तबीयत तो ठीक, हाथ पैर में दर्द है कितना उनके। फर्क पड़ा कुछ बताइए। आपने कब से शुरू किया? आपको कितना फर्क है? आपने 1.5 महीने के करीब हो गया, 1.5 महीने के करीब हो गया है। हाँ जी हाँ, शुरू कर दिया है, 1.5 महीना हो गया है। ठीक है, आप बता तबीयत नहीं तो पा रहे। ठीक है, तबीयत तो आप। सर कितना आराम मिला है ये बताइए आप, कितना आराम मिला है मैम को? हाँ, थोड़ा बहुत आराम मिला है, ठीक पर है हाथ पैर में, पैरों में जलन होती है। ठीक है। जी तो देखिए, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, फ़ायदा शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 3-4 महीना चलता है, 3 महीने 10 दिन। इसी में फ़ायदा हो जाना मुमकिन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो फिर और भी लगातार जारी रख सकते हैं। और वाइट स्पॉट की इस उम्र में मेरे ख्याल से कोई दवा ना लें तो अच्छा है, और लेना चाहें तो फिर इससे कोई नुकसान तो होता नहीं है, और लेना चाहें तो एक नुस्खा लिख लीजिए, पता नहीं आप लिख पाएंगे या नहीं। बापची, बापची एक दवा का नाम है। बापची 50 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, और आंवला का पाउडर 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम 2 बार खाने के पश्चात खाया करें, पानी या कम चर्बी के दूध के साथ, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है, हमें भी शर्म आने लगती है, सफ़ेद दागों में ये प्रॉब्लम हर पैथी के साथ ही होती है कि हम भी शर्माने लगते हैं। उसका इलाज इतना मुश्किल और देर पा होता है कि हम लोग भी और मरीज़ भी बहुत उकता जाता है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। जी।